अगस्त 2016 को दिल्ली में के बिरला फाउंडेशन की ओर से व्यास सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह सम्मान इस वर्ष डॉक्टर सुनीता जैन को उनकी कृति क्षमा के लिए प्रदान किया गया। यह फाउंडेशन का रजत जयंती वर्ष है। जैसा कि आप जानते हैं, फाउंडेशन के मुख्य उद्देश्य भारतीय साहित्य, विज्ञान और शिक्षा आदि के प्रसार के लिए विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों को बढ़ावा देना है। व्यास सम्मान की चयन प्रक्रिया एक सार्वजनिक दस्तावेज है। आज की संध्या की विशिष्ट सम्मानित साहित्यकार डॉक्टर सुनीता जैन जी, जिनके निमित्त ये समारोह आयोजित हुआ है, इस सभा में सुनीता जैन जी के परिचय की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक जानी मानी साहित्यकार हैं। इस उत्सव में उनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मेरे लिए इतना ही कहना काफ़ी होगा कि वे हिंदी साहित्य के संवर्धन में निरंतर सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं और आज भी निभा रही हैं। आवत ही हर्षय नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन वर्षे में। जहां सुवर्ण की बारिश हो रही हो, उसकी तुलना में वह स्थान भावपूर्ण है जहां कुछ नहीं, केवल स्नेह है आंखों में। ये भाव की व्याख्या है। हमारे जो बहुत बड़े आचार्य हैं रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने एक निबंध लिखा है, भाव और मनोविकार। ये भाव और मनोविकार में उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं, जिसमें एक ऐसी चीज कही है कि कर्म के प्रेरक भाव ही हुआ करते हैं। कोई भी कर्म भाव से प्रेरित होता है, और जैसा भाव वैसा ही कर्म। एक सवेरे सवेरे मान लीजिए एक स्त्री है, मंदिर से लौट रही है, उसको सड़क के किनारे कोई रोता हुआ बच्चा, जिसे किसी ने फेंक दिया है, उठा लेती है और उसको लेकर के घर आती है। ये भाव से संभव है। लेकिन घर में जो उसका विचार पुष्ट पति है, वो उसको घर में रखने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसके सामने बहुत से गणित हैं। तो ये भाव बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कविता के सम्मान में आयोजित इस संध्या समागम में मैं अपनी बात एक छोटी कहानी या घटना से आरंभ करती हूँ। रत्नावली ने मुझ में परकाया प्रवेश किया, मेरे को जानने को उसने एक अवसर दिया कि एक महिला जब त्यक्ता होती है, जिसका बेटा भी नहीं रहता, जिसका पति भी उसको छोड़ के चला जाता, और उसने पति से कहा ही क्या था कि हम दोनों को थोड़ा संयम चाहिए और जाकर ईश्वर से इतना प्रेम करो जितना मुझसे करते हो। इतनी सी बात और वो इतने बड़े संत हो गए, और रत्नावली के साथ क्या हुआ होगा, ये कभी रत्नावली के दोहे आप पढ़कर देखें, जिसे ना तो कोई छापता है ना कोई पढ़ता है, जिसमें वो यहाँ तक कहती है, अंधेरे में अपने पिता के साथ भी खड़े होकर कोई बात ना करो। किस किस ने उसको क्या ना कहा होगा, ये केवल कल्पना करने की बात है। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि और चयन समिति के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल ने संबोधित किया। ये सम्मान केवल औपचारिकता नहीं है, ये वास्तव में किसी लेखक, साहित्यकार, कवि की रचनाओं का सार्थक मूल्यांकन का परिणाम है सम्मान। और इसलिए मैं सुनीता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि ये जो क्षमा नाम का एक खंड काव्य है, ये दूसरे खंड काव्यों से थोड़ा सा भिन्न मुझे प्रतीत होता है। क्षमा एक स्थिति है, या यूँ कहें कि मन स्थिति है, और यह विविध रूप में हमारे सामने प्रकट होती है। लेकिन इस पुस्तक में जिस संदर्भ में क्षमा का दर्शन दिखाया गया है, कराया गया है, वो तुलसी और रत्नावली के संबंधों के बीच में क्षमा कहाँ से आ जाती है।
मैं समझता हूँ कि इस पुस्तक की जो शैली है इस खंड काव्य की, वो दूसरे खंड काव्यों से पूरी तरह से भिन्न है। व्यक्ति के मन में, लेखक के मन में, कवि के मन में विचार आते हैं। विचार अभिव्यक्त के लिए शब्दों की तलाश करते हैं और जब शब्द आ जाते हैं तो शैली की तलाश होती है। इस खंड काव्य में शब्द भी हैं और ऐसे शब्द हैं जो सीधे कहीं न कहीं चिंतन करने वाले मस्तिष्क को छू लेते हैं। और मैं तो समझता हूँ कि प्रत्येक साहित्यकार का जो मन है वो एक बहुत बड़ा शब्दकोश है। उसमें जो शब्द हैं कभी उसको ज्ञान होता है, कभी नहीं होता कि हमारे शब्दकोश में मन में हैं कितने शब्द। और जब उसके मन के अंदर एक कल्पना होती है, उस कल्पना को चित्रित करने का, शब्दांकित करने का प्रश्न आता है, तो मालूम नहीं शब्दकोश के किस कोने से वो शब्द निकल करके लेखनी के माध्यम से प्रकट हो जाते हैं। वही प्राकट्य मुझे इस खंड काव्य में मिला। लेखिका ने हमसे भेंट में ये कहा, आपका साहित्यिक सफर कब से शुरू हुआ था? साहित्यिक सफ़र तो बहुत पहले शुरू हो गया था, शायद 13-14 वर्ष की। बहुत से लेखक बहुत जल्दी लिखना शुरू करते हैं, कुछ देर से भी करते हैं। तो लिखते 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 आज 60 वर्ष के ऊपर तो हो ही गए। ये रत्नावली और तुलसीदास की अंतिम भेंट है, यानी तुलसीदास, इसमें कल्पना है कि तुलसीदास अपनी मृत्यु से पहले अपनी पत्नी से क्षमा मांगने आते हैं। माना ये जाता है कि उनसे वो नाराज़ थे क्योंकि उन्होंने ऐसी कटु बात की, लेकिन जो इतना बड़ा सन्यासी है, इतना बड़ा मर्मज्ञ है, इतनी बड़ी बात मर्यादा की करता है, वो कभी भी पत्नी से नाराज़ हो नहीं सकता था क्योंकि उसी ने तो उनको दिशा दिखाई। कौन पत्नी ऐसी होगी जो अपने पति को, जो उसे बहुत प्रेम करता है, घर से कह दे जाने के लिए और प्रभु को ढूंढने के लिए। तो वो बहुत मानते थे रत्नावली को, और इस पुस्तक से मैं समझती हूँ रत्नावली को उसका न्याय मिलेगा। एक बार फिर से व्यास सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई।